कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 12.3, ठीक है। इसमें तीन क्वेश्चन सिर्फ हमको बनाने हैं और तीनों बड़े मज़ेदार क्वेश्चन हैं, ठीक है। आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करना है, थोड़ा सा इमेजिनेशन करना है, तब जाके आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। यहाँ से हमारा एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, दैट इज़ सिमेट्री। आपने क्लास सिक्स में मैथ्स तो पढ़ी ही है, सभी पढ़ते हैं, आप भी पढ़े होंगे क्लास सिक्स की मैथ, ठीक है ना। आपके स्कूल में जो अभी लग रही है बुक NCERT पैटर्न पर, ठीक है ना, होली फेथ की बुक है या नेक्स्ट एजुकेशन की बुक है, उसमें क्लास सिक्स में चैप्टर नंबर 13 में पूरा एक चैप्टर आता है सिमेट्री नाम से, याद है किसी को? आप सब पढ़ के आ रहे हैं क्लास सिक्स चैप्टर नंबर 13 सिमेट्री, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कभी मौका लगे तो आप एक बार उसको रिवाइज करके देखिए क्लास सिक्स की बुक का, समझ आई बात, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा उसका रिवीजन करते हैं और वही हमको दो तीन क्वेश्चन में दिए गए हैं यहाँ, मेरी बात समझ रहे हैं। कक्षा छठवीं की पुस्तक उठाइए जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्राइवेट बुक लगती है, उसमें नेक्स्ट एजुकेशन की बुक है या NCERT पैटर्न की बुक है, उसमें आप देखेंगे चैप्टर नंबर 13 पूरा सिमेट्री के नाम से चैप्टर है और मात्र एक एक्सरसाइज का चैप्टर है, सिर्फ डायग्राम वाला। उसमें आपको पहचानना रहेगा लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी बनती है, किस फिगर में, कहाँ से बनती है, कौन सा फिगर सिमेट्रिकल है या नहीं है, ठीक है। ये आपको पहचानना है, एक एक्सरसाइज है, 10 मिनट आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा कहानी समझ में आ जाएगा 10 मिनट पढ़ने से, तो कभी टाइम निकाल के उसको देखिए उस बुक को, ठीक है। हम उसका ओवरव्यू आपको यहाँ पर बताते हैं इस एक्सरसाइज में, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट दैट शो, आपको कुछ ऑब्जेक्ट के पिक्चर आपकी कॉपी में ड्रॉ करने हैं जो क्या शो करेंगे, क्या रिप्रेजेंट करेंगे। आंसर है लीनियर सिमेट्री को रिप्रेजेंट करते हुए फिगर बनाने हैं और रोटेशनल सिमेट्री को रिप्रेजेंट करते हुए कुछ फिगर्स बनाने हैं, 1, 2, 3, 4 जितने आप सोच सकें, समझ आया। तो सबसे पहले तो इसकी मीनिंग समझ लीजिए कि इसको कहते किसे हैं, लीनियर सिमेट्री क्या चीज़ है, समझ रहे हैं, रोटेशनल सिमेट्री क्या चीज़ है, समझ आया, आया कि नहीं। तो लीनियर सिमेट्री के सीधा सा मीनिंग समझिए, आप लोग मिरर देखते हैं ना, मिरर में जो आपका इमेज दिखता है उसकी साइज कैसी होती है, जितना आपका साइज होता है उतना आपके इमेज का साइज होता है मिरर के अंदर, जितना ऑब्जेक्ट का साइज मिरर के अंदर उतना ही इमेज का साइज, दोनों का साइज बराबर होता है, कंग्रेंट, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो एक ऐसी लाइन जिसमें एक तरफ ऑब्जेक्ट दूसरे तरफ इमेज और दोनों का साइज बराबर हो, एक जैसा हो, समझ आया। तो ये दोनों फिगर ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे से सिमेट्रिकल हो जाते हैं, क्या कहलाएंगे, दोनों सिमेट्रिकल, समझ आया, आया समझ में। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, आप अपने सामने मिरर रखिए या मिरर के सामने आप खड़े हो जाइए, ठीक है। आप अपना दाहिना हाथ उठाएंगे तो आपका इमेज कौन सा हाथ उठाएगा, बायां उठाएगा कि दायां उठाएगा, वो भी अपना दायां हाथ उठाएगा, राइट हैंड। लेकिन आपका दायां हाथ इस तरफ है तो आपकी इमेज का दायां हाथ किधर होगा, इस तरफ, करके देखिए, सोच के देखिए। अब यहां तो मिरर नहीं लगा है, आप सोच के देखिए, समझे कि नहीं समझे, समझ रहे हो ना। हमने मिरर के सामने ऐसे दायां हाथ उठाया तो आपका इमेज तो आपकी तरफ चेहरा करके खड़ा है ना, तो वो भी अपना दायां हाथ उठाएगा। अगर वो आपकी तरफ चेहरा करके खड़ा है तो वो ऐसे खड़ा है, उसने दायां हाथ उठाया, आपका दायां हाथ किस तरफ है, इस तरफ, उसने दायां हाथ ऐसे उठाया, समझ आ रहा है। तो आप देखेंगे जिधर आपने दायां हाथ उठाया है उसका दायां हाथ आपके दायां हाथ के सामने नहीं आता, आपके बाएं हाथ के सामने आता है, बात समझे, समझे कि नहीं समझे, बोलिए ये समझ में आया या नहीं आया, आया ना, पक्का, ठीक है। ये थोड़ा सा इमेज फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है कि मिरर के अंदर जो इमेज बनते हैं उसमें सिर का पैर नहीं होता, पैर का सिर नहीं होता, सिर पैर एक दूसरे की जगह नहीं जाते, सिर्फ दायां बायां हो जाता है और बायां दायां हो जाता है, समझ आया। इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट, दाएं का बाएं तरफ दिखना और बाएं का दाएं तरफ दिखना, बात समझ में आई, आ रही मेरी बात समझ में, ठीक है ना। सिर पैर की जगह नहीं जाता, पैर सिर की जगह नहीं आता, इमेज ऐसे उल्टा नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, दायां वाला बाएं तरफ हो जाता है और बायां वाला दाएं तरफ आ जाता है, इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, दायां बायां घूम जाना, समझ आया, क्या बोलेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, मेरी बात समझ गए आप, मेरी बात समझ गए आप, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल किस चीज का है, तो आंसर है जो ऑब्जेक्ट आपको ऐसे दिख रहा है इधर और जो इमेज आपको दिख रहा है दोनों का साइज एक बराबर है। अगर आप ऑब्जेक्ट को इमेज के ऊपर रख देंगे तो फिर पीछे का इमेज नहीं दिखेगा, ऑब्जेक्ट बस दिखेगा,
ऑब्जेक्ट ने इमेज को पूरी तरह से कवर कर लिया है, समझ रहे हैं? इमेज पूरी तरह से ऑब्जेक्ट के पीछे आ जाएगा। अब आप देखेंगे तो आपको सिर्फ क्या दिखेगा, सामने वाला ऑब्जेक्ट। क्या दोनों पिक्चर आपको दिख रहे हैं या एक ही पिक्चर दिख रहा है? एक ही पिक्चर, क्यों? क्योंकि एक ने दूसरे को क्या कर लिया, ढक लिया है। ऐसे फिगर जो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं, ढक लेते हैं, सिमेट्रिकल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाँ, मैं मिरर की बात कर रहा था। मिरर में हमने ऐसे हाथ उठाया दायां, है ना? अब आप क्या करिए, मिरर में ऐसे दाहिने हाथ को रख दीजिए, तो आपका इमेज भी क्या करेगा, उधर से हाथ बढ़ा के मिरर में अपने दाहिने हाथ को रख देगा, रखेगा। जब तक आपका हाथ मिरर से दूर है तो आपको आपके मिरर के अंदर हाथ का इमेज भी दिखेगा और ये ऑब्जेक्ट भी दिख रहा है, आपका ओरिजिनल हाथ भी दिखेगा और मिरर के अंदर इमेज वाला हाथ भी दिखेगा, दोनों दिखे। जैसे जैसे आप हाथ आगे बढ़ाएंगे आपका इमेज भी हाथ आगे बढ़ाएगा, समझ आया? और जैसे ही आप मिरर के ऊपर अपना हाथ रखेंगे आपका इमेज भी मिरर के ऊपर अपना हाथ रख देगा। और अब जब हाथ आपका ऐसे रखा जाएगा तो आपको कितने इमेज दिखेंगे, सिर्फ ये दिखेगा कि पीछे वाला भी दिखेगा? इमेज भी दिखेगा या सिर्फ ऑब्जेक्ट दिखेगा? सिर्फ ऑब्जेक्ट दिखेगा। इमेज क्यों नहीं दिख रहा? क्या इमेज नहीं है? आंसर है, लेकिन कहां है? इसके जस्ट पीछे, ये ऐसे ओवरलैप हो गए हैं, समझ में आ रहा है? तो आपको इमेज नहीं दिखता, सामने से सिर्फ ये हाथ दिखती है। क्यों एक दूसरे के साथ ये ओवरलैप हो गए? इसलिए क्योंकि दोनों का साइज कैसा था, एक जैसा। तो सेम साइज के फिगर जब एक के ऊपर एक आए तो क्या कर लेते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप। ये बात समझ में आया? ऐसे फिगर जो एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं सिमेट्रिकल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाँ, दिस फिगर आर नोन एज सिमेट्रिकल टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे से सिमेट्रिकल हैं। ये बात समझे आप? सिमेट्री का एक और एग्जांपल देखिए, ये क्लास 9th की बुक में आपका उठा रहा हूं। ये अगर मैं इसको ऐसे आपको दिखाता हूं तो इस शेप को आप क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल। क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल बोलेंगे। इसके पीछे वाला शेप भी कैसा है? रेक्टेंगल, ठीक है। अब मैं इस किताब को ऐसे खोलता हूं, ये खुल गया, खुला ना? तो यहां से देखिए, एक रेक्टेंगल दिखा आपको, ये वाला, ये एक रेक्टेंगल और ये वाला दूसरा रेक्टेंगल, ये दो रेक्टेंगल हो गए, हो गए, हो गए। अब हमने क्या कहा, आपसे बोला कि आप एक लाइन इमेजिन करिए जो यहां से जाती बीचों बीच, ऐसे एक लाइन सोच ली आप जो यहां से जाती है, दिख रहा है ये, यहां से इमेजिन कर लिए। अब अगर मैं इस रेक्टेंगल को घुमा के इस रेक्टेंगल के ऊपर रख दूं, इसके ऊपर, ये वाले रेक्टेंगल के ऊपर, समझ रहे? इस रेक्टेंगल को घुमाया, रोटेट किया और इस रेक्टेंगल के ऊपर ऐसे रख दिया। अब बताइए आपको कौन सा रेक्टेंगल दिख रहा है, इधर वाला या इधर वाला? ये राइट है, ये लेफ्ट है। कौन सा रेक्टेंगल दिख रहा है? राइट वाला, क्योंकि राइट वाला घूम के आया और लेफ्ट वाले के ऊपर आ गया। लेफ्ट वाला कहां है? इसके जस्ट पीछे। तो सामने वाले ने पीछे वाले को क्या किया? ओवरलैप। समझ में आ रहा है? और आपको सिर्फ सामने वाला फिगर नजर आ रहा है, पीछे वाला नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि दोनों रेक्टेंगल का साइज कैसा था? एक जैसा। तो सामने वाले ने पीछे वाले को पूरी तरह ढक लिया है, ओवरलैप कर लिया है। ऐसे फिगर जो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं क्या कहलाते हैं? सिमेट्रिकल। तो ये दोनों रेक्टेंगल, ये दोनों रेक्टेंगल एक दूसरे के लिए क्या है? सिमेट्रिकल। आया बात समझ में कि नहीं आया? आया। अब जो लाइन मैं आपको कह रहा था कि यहां से इमेजिन करिए, ये लाइन, एक ऐसी लाइन जो दो पार्ट में ऑब्जेक्ट को बांट दे, दो ऐसे इमेज बना दे, दो ऐसे फिगर बना दे जो क्या हो जाए, एक दूसरे से सिमेट्रिकल। समझ रहे हैं? ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। एक ऐसी लाइन जो एक ऑब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दे, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, एक बुक है ना, अगर मैं यहां से लाइन खींचूं तो एक फिगर ये बन जाएगा, इतना ये रेक्टेंगल, और एक रेक्टेंगल ये बन जाएगा, अगर यहां से लाइन देखेंगे आप तो, समझ गए? तो एक ऐसी लाइन जो एक बड़े से फिगर को दो ऐसे फिगर में डिवाइड कर दे जो एक दूसरे से क्या हो जाए, सिमेट्रिकल, तो वो लाइन जो बीच से गई है उस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मेरी बात समझ रहे हैं? बोलिए, समझ आ रहा है ना? हाँ, ध्यान से समझिए। देखिए ना, ये हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, कौन सा फिगर है भाई ये, कौन सा फिगर है? रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल। अगर मैं इसके बीचों बीच एक लाइन ऐसे खींचूं, स्ट्रेट लाइन बीचों बीच, है ना? तो अब आप थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो एक फिगर था, अब ये कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, दो, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, है ना? अब अगर इस पन्ने को मैं ऐसे मोड़ के 180 डिग्री इसके ऊपर रख दूं,
180 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ, ये तो समझ में आ रहा है, आ रहा है। इसको हमने ऐसे रोटेट करके इसके ऊपर रख दिया, तो ये इमेज कैसे दिखेगा? देखिए, ये है लाइन, ये वाला साइड मैंने बनाया ऐसे, ये देखा, समझ आया? और इसको ऐसे पलट के इसके ऊपर ऐसे पलटा दिया पेज को, तो इधर वाला पेज इसके ऊपर आ गया। अब ये पेज तो मुड़ गया ना, इसके ऊपर आ गया। अब आपको कौन सा पेज दिख रहा है, ये राइट वाला कि लेफ्ट वाला? हाँ, ये सामने कौन आ गया? राइट वाला। लेफ्ट वाला कहाँ है? इसके जस्ट पीछे। समझ में आ रहा है? तो हम क्या बोलेंगे, इन दोनों फिगर ने एक दूसरे को क्या कर लिया? ओवरलैप कर लिया। तो ये दोनों क्या है? सिमेट्रिकल है। दोनों फिगर क्या है आपस में? सिमेट्रिकल। बात समझ रहे हैं? तो ऐसे फिगर सिमेट्रिकल कहलाते हैं। ठीक बात। वो लाइन जो एक बड़े से फिगर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, सिमेट्रिकल फिगर बना देती है, ऐसी लाइन क्या कहलाती है? लाइन ऑफ सिमेट्री, या इसी को एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं। समझ गए? एक्सिस ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, या मिरर लाइन भी इसको बोलते हैं। आपकी बुक में नहीं लिखा होगा नाम, लेकिन मैं आपको दो तीन नाम बताता हूं। इसी को मिरर लाइन भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये तीन तरह के नाम हम लोग इस लाइन के लिए यूज करते हैं। समझ गए? बोलिए, समझ आया? आया कि नहीं आया? तो ये है लीनियर सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री? लीनियर सिमेट्री। लीनियर सिमेट्री किसको बोलते हैं? आंसर है, एक लाइन ऐसी हो जिसके दोनों तरफ के फिगर कैसे हो जाएं? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब समझ रहे हैं ना, जब ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो दोनों का साइज बराबर होने की वजह से एक दूसरे को प्रॉपर तरीके से ढक लेंगे। समझ आया? तो ऐसी सिमेट्री कैसी सिमेट्री कहलाएगी? लीनियर सिमेट्री, जिसमें एक लाइन ड्रॉ होता है, एक सिंगल लाइन वाला फिगर लीनियर सिमेट्री देता है। यहां तक बात समझ आई? बोलिए बोलिए, आ गई? रोटेशनल सिमेट्री भी बिल्कुल इसी तरह है, उसमें हम फिगर को रोटेट करते हैं। समझ रहे हैं? रोटेशनल सिमेट्री में क्या करते हैं? फिगर को रोटेट करते हैं। फिर से, ये एक फिगर मैंने ड्रॉ किया, क्या नाम है इसका? क्या नाम है? ट्राइंगल नाम है। ठीक है, मैं आपको बोलता हूं कि इस ट्राइंगल के अंदर एक ऐसी जगह से लाइन ले जाइए। कौन सी लाइन? लाइन ऑफ सिमेट्री, ताकि ये फिगर सिमेट्रिकल हो जाए। समझ रहे हैं? क्या हो जाए? फिगर सिमेट्रिकल हो जाए। तो आप कहां से पास कराएंगे, कहां से कर सकते हैं? आंसर है, यहां से। ये लाइन हो गई लाइन ऑफ सिमेट्री। अब आपको दिख रहा है, अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर रखूंगा तो इधर वाला हिस्सा इसके जस्ट ऊपर आ जाएगा। दोनों का साइज कैसे दिख रहा है? इस लाइन के इस तरफ का इमेज देखो और इस लाइन के उस तरफ का इमेज देखो। दोनों फिगर देखो एक साइज के हैं। एक जब घूम के दूसरे के ऊपर आएगा तो ढक लेगा दूसरे को पूरी तरह से। तो दोनों फिगर सिमेट्रिकल हो गए कि नहीं हुए? हो गए ना। अब अगर इसको पकड़ के मैं इस लाइन के चारों तरफ घुमाऊं तो भी हमको यही इमेज मिलेगा, ट्राइंगल ही मिलेगा। बात समझ रहे हैं? तो एक ऐसा फिगर जिसको रोटेट किया जाए तो वही इमेज मिले जो ओरिजिनल पिक्चर का है। तो ऐसी सिमेट्री क्या कहलाती है? रोटेशनल सिमेट्री। कुछ बात समझ में आ रहा है? बातें नहीं करो, इधर ध्यान से सुनो। ठीक है, रोटेशनल सिमेट्री के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। उसमें से एक सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल, ये देखो पंखा दिख रहा है, पंखा दिख रहा है ना, पंखे के ब्लेड ये घूमेंगे, तीन ब्लेड लगे हैं पंखे में। अगर हम इसको घुमा दें 20 डिग्री, ठीक है, तो भी तीनों ब्लेड के बीच का एंगल, तीनों ब्लेड के बीच का डिफरेंस या डिस्टेंस एक जैसा रहेगा कि नहीं रहेगा? पंखा कितनों डिग्री घुमा दो आप, कितना भी डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, अगर तीनों ब्लेड के बीच में एंगल है 60 डिग्री का, दो ब्लेड के बीच का एंगल 60, दो ब्लेड के बीच का एंगल 60, फिर दो ब्लेड के बीच का एंगल 60, तो अगर मैं इसको 20 डिग्री घुमाता हूं तो हर ब्लेड के बीच का एंगल बदल जाएगा क्या? हर ब्लेड के बीच का डिस्टेंस बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा। समझ में आ रहा है? तो हम इसको कितना भी डिग्री घुमा दें, रोटेट कर दें, हर बार फिगर कैसा मिलेगा? जैसा ओरिजिनल है वैसा मिलेगा। तो ये अपने ओरिजिनल पिक्चर से सिमेट्रिकल है कि नहीं, रोटेट करने के बाद भी? बोलो, समझ आया कि नहीं आया? रोटेट करने के बाद भी जो नया पिक्चर बनता है, ट्रांसफॉर्म पिक्चर, वो ओरिजिनल पिक्चर जैसा ही होता है कि नहीं? होता है ना। तो ऐसी सिमेट्री क्या कहलाती है? रोटेशनल सिमेट्री, जिसको रोटेट करने के बाद भी वही फिगर दिखे। जैसे ये ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल को अगर मैं ऐसे रोटेट कर दूं, रोटेट करने के बाद भी कौन सा फिगर रहेगा? ट्राइंगल ही रहेगा ना, वो रेक्टेंगल तो नहीं बन जाएगा,
पेंटागॉन तो नहीं बन जाएगा, बात समझ रहे हैं। तो एक ऐसा फिगर जिसको रोटेट करें तो हमको वही फिगर मिले, सेम सिमेट्री मेंटेन होनी चाहिए, तो ऐसी सिमेट्री क्या कहलाती है, रोटेशनल सिमेट्री कहलाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो हमको कुछ पिक्चर ड्रॉ करने हैं, वो पिक्चर आप बहुत अच्छे तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक तो मैंने बता दिया ये बुक वाला, बुक आप और अच्छे डिजाइन से बना सकते हैं। और कौन कौन से लीनियर सिमेट्री में और क्या ड्रॉ कर सकते हैं आप? बुक ड्रॉ कर लीजिए। बुक कैसे बनाते हो भाई? ये बुक के बीच वाला बाइंडिंग हो गया जहां नाम लिखा रहता है, समझ आया? ये किताब ऐसी आ गई, ये ऐसी, ठीक है, और ये किताब इधर ऐसी आ जाएगी, ये ऐसी, ये दिख रहा है कुछ कुछ सेम, थोड़ा सा छोटा कर दूं, ठीक है, दिख रहा है सिमेट्रिकल कि नहीं दिख रहा है? लाइन ऑफ सिमेट्री कहां से जाएगी? यहां से, दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री, समझ आ रहा है? ये लीनियर सिमेट्री की एग्जांपल हो गए, जैसे एक पेपर हो गया, दिस इज पेपर, दिस इज बुक, समझ रहे हैं? एक दूसरे, यानी लीनियर सिमेट्री मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री के इस पार का फिगर और इस पार का फिगर, दोनों का साइज और शेप कैसा होना चाहिए? सेम। तो ये कौन सी सिमेट्री हो जाएगी? लीनियर सिमेट्री, समझे? इसके एग्जांपल, रोटेशनल सिमेट्री के एग्जांपल, जैसे पंखा बना लीजिए, रोटेट करने के बाद वही फिगर बनना चाहिए, ध्यान से सुनिए। एक ऐसा डायग्राम लीजिए जिसको रोटेट करें तो वैसा ही फिगर बनना चाहिए जैसा आपने ओरिजिनल लिया था, तो ऐसी सिमेट्री क्या कहलाएगी? रोटेशनल सिमेट्री, समझ रहे हैं? जैसे पंखा, पंखा कैसे होता है भाई? ऐसा, और ये ब्लेड लगा देते हैं इसमें अपन, अपने हिसाब से आप बना लो, ये ठीक है फैन जैसा कुछ कुछ, हाँ थोड़ा बहुत है ना, लेकिन सिमेट्री समझ में आ रही? जब इसको आप रोटेट करेंगे पंखे जैसा, ठीक है, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ से जाएगी? तो इसको मैंने ऐसा बनाया है, आप इसको दूसरे ढंग से भी बना सकते हैं, जैसे ये हम इसमें एक ही ब्लेड दिखा देते हैं ऐसे, ये उसके बाद ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, ये ठीक है, एक ब्लेड हमने दिखाया इस पर, इधर देखो बेटा, इधर देखो, एक ब्लेड दिखाया, मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये पंखा ऐसे लगा हुआ है, ऊपर लटका हुआ है, ये दिस इज एक्सिस, ठीक है, और ये घूमेगा ऐसे, इधर आएगा, ये ब्लेड भी थोड़ा सा तिरछा बना दो 3D जैसे, ऐसा, ठीक है, हाँ, और फिर ये इधर आएगा घूम के, ऐसा, समझ आ रहा है? ये ऐसे घूम रहा है पंखा, एक ही ब्लेड है, ओरिजिनल पिक्चर ये है, और हम साइड से देखते हैं तो ऐसा दिखता है, दिख रहा है? तीन ब्लेड हैं उसमें, हम एक ही बना रहे हैं, ये एक ही ब्लेड है ना, पहले ये, फिर यही घूम के यहाँ आ गया, लेकिन इसका शेप बदलेगा क्या? अगर फैन है तो घूमने के बाद भी, चाहे कितना डिग्री भी आप घुमाइए, घूमने के बाद भी उसका शेप कैसा रहेगा? फैन जैसा ही रहेगा, समझ आया? ना उसके ब्लेड के बीच के एंगल बदलेंगे, ना डिस्टेंस बदलेगा, ना ब्लेड का साइज बदलेगा, समझ रहे हैं? इसलिए ये सिमेट्रिकल फिगर कहलाएगा, लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है आपको, ठीक है। दूसरा, इसमें आप और बहुत सारे फिगर बना सकते हैं, जैसे एक सर्कल ले लिया हमने, सर्कल में लाइन ऑफ सिमेट्री बहुत सारी हो सकती है, ये ऐसे ऐसे, जितने चाहे उतने खींच सकते हैं। तो एक सर्कल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई जा सकती है, बोलिए? इन्फिनिटी। कितनी? इन्फिनिटी। सर्कुलर चीज जितनी भी आप जानते हैं, दिस इज रोटेशनल सिमेट्रिकल एग्जाम्पल, समझ आया? जैसे गाड़ी का मेलोमीटर, स्पीडोमीटर, मोटरसाइकिल में, कार में लगा होता है ना स्पीड दिखाने के लिए, तो पूरा सर्कल लगा रहता है,
तो पूरे सर्कल को आप ये वहाँ यहाँ बना के दिखा सकते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। आया समझ में? आया समझ में? ये क्लियर है एग्जाम्पल? ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बड़े अच्छे पॉपुलर क्वेश्चन ये बनते हैं, ध्यान से सुनिए। अगर हम आपको कोई फिगर दिखाएं बना के और आपसे पूछें कि इसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? ये एक क्वेश्चन भी है मेरे ख्याल से। ये आप आइए एक्सरसाइज से थोड़ा पीछे, हाँ, थिंक एंड डिस्कस में देखिए, पेज नंबर 257, पेज नंबर 257, थिंक एंड डिस्कस में देखिए, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर इन रेगुलर पॉलीगॉन? इज देयर ए रिलेशन इन द नंबर ऑफ साइड्स एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशन इन सच ए पॉलीगॉन? व्हाट इज इट? ठीक है, समझ आया? कहने का मतलब ये है, अगर हम आपको एक रेगुलर पॉलीगॉन बताएं, रेगुलर पॉलीगॉन किसको बोलते हैं आप जानते हैं, जिसमें कम से कम कितनी साइड होनी चाहिए? तीन, कम से कम। और फिगर कैसा होना चाहिए? क्लोज फ्रॉम ऑल साइड। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी साइड हो सकती हैं? जितनी होनी चाहे, इन्फिनिटी। कम से कम कितनी साइड होनी चाहिए? थ्री होनी ही चाहिए। और फिगर कैसा होना चाहिए? क्लोज। कोई भी पॉलीगॉन, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सब कैसे हैं, क्या हैं? पॉलीगॉन्स। ट्राइंगल में कम से कम तीन साइड होती है ना, उससे ज़्यादा चार साइड, पाँच साइड, छः साइड, दस साइड, बारह साइड, पचास साइड वाला फिगर, ये सब क्या कहलाएंगे? पॉलीगॉन। एक शब्द में क्या कहलाते हैं? पॉलीगॉन। तो अगर मैं कोई भी पॉलीगॉन बना के आपको दिखाऊं, एक फिगर, समझ रहे हैं, और आपसे पूछूं कि इसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ये आपने नोट कर लिया? ये कर लिया नोट? इसको मैं मिटा रहा हूं ना। इसके बाद एक छोटा सा काउंटर क्वेश्चन सुनिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला ये एक पॉलीगॉन है, बोलिए है कि नहीं पॉलीगॉन? है। इसमें मैं आपसे पूछता हूं कि कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी लाइन कहलाती है, बोलिए? एक ऐसी लाइन जो अगर कहीं से गुजरे तो उसके एक तरफ का फिगर दूसरे तरफ के फिगर के बराबर हो जाए। दोनों फिगर कैसे होने चाहिए, अगल बगल वाले इसके? अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है तो इस तरफ का फिगर और इस तरफ का फिगर, दोनों फिगर कैसे हो जाएंगी, बोलिए? इधर इधर दोनों फिगर कैसे हो जाएंगे? बराबर, एक जैसे शेप, एक जैसे साइज के हो जाएंगे, तभी ना एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। तो ऐसी लाइन लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है। तो मैं आपसे पूछता हूं इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं आप? ये हो गया एक, ठीक है। तो इधर का फिगर और उधर का फिगर देखो सिमेट्रिकल है कि नहीं? सिमेट्रिकल मीनिंग समझ में आ रहा है ना, इसको पलटेंगे तो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे। इसका जो साइज है इसका भी वही साइज है ना। फिर से यहां से ड्रॉ नहीं कर सकते, बोलो? तो ये वाला फिगर और ये वाला फिगर सिमेट्रिकल हो गए कि नहीं? हो गए। फिर से यहां से ड्रॉ कर सकते हैं क्या? ऐसे देखिए, इधर वाला फिगर, इधर वाला फिगर, ऐसे इस पेपर को फोल्ड करेंगे तो सिमेट्रिकल हो जाएगा कि नहीं? और कहीं से लाइन खींच सकते हैं क्या सिमेट्री बनाने के लिए? देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि ये है फिगर, ठीक है, और मैं यहां से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करता हूं, तो बताओ क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी? ये लाइन क्यों नहीं कहलाएगी? क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड करूं तो क्या इसको ढक लेगी? ये दोनों का साइज और शेप अलग अलग है, तो ये लाइन सिमेट्री लाइन कहलाएगी क्या? नहीं कहलाएगी। और कोई लाइन खींच सकते हैं क्या आप? नहीं खींच सकते। बात समझ आया? तो एक ट्राइंगल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री खींचे जा सकते हैं? थ्री, ठीक है। अब मैं आपको एक स्क्वायर या एक रेक्टेंगल दे रहा हूं, स्क्वायर देता हूं, मान लो, लो ये एक स्क्वायर में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री खींच सकते हैं, बोलिए? देखो, नंबर वन, ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? होगी कि नहीं? इस बुक को हम ऐसे बंद करेंगे तो सिमेट्रिकल हो जाएगा शेप। दूसरा, मैं लाइन ऑफ सिमेट्री यहां से ड्रॉ कर सकता हूं कि नहीं? तो ये वाला हिस्सा फोल्ड होके इसको कवर कर लेगा सिमेट्रिकल। लाइन ऑफ सिमेट्री के दोनों तरफ के फिगर आपस में आइडेंटिकल हो गए, सिमेट्रिकल हो गए, ठीक है। तीसरा, अगर मैं यहां से इसको ड्रॉ कर दूं ऐसे, तो इसको लाइन ऑफ सिमेट्री मानेंगे? देखो, ये वाला पेपर फोल्ड करो, इसको कवर कर लेगा कि नहीं? कर लेगा।
ये वाला ट्राइंगल मुड़ के इस ट्राइंगल के ऊपर आ जाएगा, एकदम सेम शेप सेम साइड हो जाएगा, हो जाएगा। अरे इधर ध्यान दो बच्चों। हाँ दूसरा यहां से ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, है सिमेट्रिकल। और बताओ और कहीं से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है क्या? नहीं। समझ आया? ये पॉलीगॉन है, ये पॉलीगॉन है। ट्राइंगल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हमने ड्रॉ किए? 3। रेक्टेंगल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ किए? 4। आप कोई रिलेशन समझ में आ रहा है क्या? जितने नंबर ऑफ साइड होते हैं पॉलीगॉन में उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की जा सकती है। अगर मैं बोलूं, मैं आपको ये फिगर देता हूं, ये कौन सा फिगर है? ये पेंटागॉन। कितने साइड हैं? तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं आप? 5। बेझिझक 5 ड्रॉ होंगे, 5 से ज्यादा नहीं होंगे। समझ में आया? तो इसको आप ना मूल मंत्र बना के नोट कर लीजिए, ठीक है? नोट क्या करेंगे आप, नोट क्या करेंगे? लाइन ऑफ सिमेट्री, या ऐसे लिखो इसको, नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। एक पॉलीगॉन में जितने साइड होंगे उतने ही लाइन ऑफ सिमेट्री हम उसमें ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया, समझ आया? ये हमारे 2 एग्जांपल हो गए, ठीक है? पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पर आइए, नंबर 2। टेक अ शेप ऑफ योर चॉइस, अपने मर्जी का कोई एक शेप लीजिए, कोई भी पैटर्न, कोई भी शेप, यूजिंग इट एज द मोटिफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोटिफ? डिजाइन, नमूना, ठीक है ना? हाँ, क्रिएट ए पैटर्न, उसी को रिपीट कर करके, चाहे आप ट्रांसलेशन का मेथड यूज़ करिए, रोटेशन का मेथड यूज़ करिए, रिफ्लेक्शन का मेथड यूज़ करिए, और एक पैटर्न बनाइए उसको रिपीट करके। जो भी मोटिफ आप चूज़ कर रहे हैं, जो भी डिज़ाइन आप चूज़ कर रहे हैं, ठीक है? समझ आया? आया नहीं आया? आया ना? मैं डिज़ाइन ले रहा हूँ, ये दिस इज डिजाइन। मोटिफ कहते हैं नमूने को, डिजाइन को। मैंने ये डिजाइन लिया, डिजाइन को रिपीट कर करके आपको एक पैटर्न बनाना है। इसको ऐसे समझिए, मैं और इसको इजी करता हूँ। आप और हम अपने घर में टाइल्स लगवाते हैं, टाइल्स में रंग बिरंगे अच्छे अच्छे डिजाइंस होते हैं ना, और टाइल्स लगाने वाले जब टाइल्स को फिट करते हैं तो आप देखते हैं कि एक टाइल्स में थोड़ा सा डिजाइन होता है, दूसरे टाइल में थोड़ा सा डिजाइन होता है, तीसरे टाइल में थोड़ा सा डिज़ाइन होता है, चौथे टाइल में थोड़ा सा डिज़ाइन होता है। जब चारों टाइल एक साथ जमा होते हैं तो एक डिज़ाइन बन जाता है। देखें, होता है ना? एक टाइल्स में तो सब कुछ नहीं आ सकता ना, एक टाइल्स छोटा सा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। 1 फुट बाई 1 फुट का भी होता है, 2 फुट बाई 2 फुट का भी होता है। हम चाहते हैं कि हमारे कमरे में बड़ा सा कोई डिज़ाइन बन जाए, तो बड़े सी टाइल्स तो हम लगाते नहीं, छोटे छोटे टुकड़े में टाइल्स लगते हैं। हर टुकड़े में छोटा छोटा डिज़ाइन होता है, छोटा छोटा। जब ये सभी डिज़ाइन आपस में जुड़ते हैं तो एक कंप्लीट डिज़ाइन बन जाती है। समझ रहे हैं? जब हम छोटे छोटे टाइल्स को आपस में जोड़ के जमीन में सेट करते हैं, फर्श पर सेट करते हैं, तो एक बड़ी सी डिज़ाइन बन जाती है, क्योंकि हर टाइल्स के ऊपर छोटी छोटी डिज़ाइन होती है। समझ आया? तो एक पैटर्न मैंने ये चूज़ किया और हमको एक डिज़ाइन बनाना है टाइल्स पर, तो कैसे बनाएंगे बोलिए? मैं एक डिज़ाइन आपको दिखाता हूँ, जो कि बनने के बाद आपको समझ में आएंगी कैसा बनता है। ध्यान से देखना, आपको ये बनाना है भाई ना। ठीक है, हो गया? देखो यही डिजाइन बन गया, हर जगह ट्राइंगल बना। ये एक ट्राइंगल, ये उल्टा ट्राइंगल दिख रहा है, फिर ये सीधा ट्राइंगल, ये उल्टा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल थोड़ा सा
मुझे करेक्ट करना चाहिए। नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ना, सीधा अब इसको कर देते हैं तो सही आ जाएगा ये। बढ़िया से नाप के बनाएंगे तो ये बढ़िया सा बनेगा ना। ठीक है, ये ना इसमें हमने छोटे छोटे ट्राइंगल्स बना लिए हैं। ठीक है, एक ये हमारी ओरिजिनल डिज़ाइन है, इसी को कभी हम रोटेट करेंगे, कभी इसी को ट्रांसलेट करेंगे तो अलग अलग डिज़ाइन बनती जाएंगी। ठीक है, ये हाँ, आप ये डिज़ाइन बन गया एक रेक्टेंगल। ठीक है, सभी रेक्टेंगल के साइज आप बराबर बना लीजिएगा अगर मैंने बड़ा छोटा कर दिया हो तो। ठीक है, उसके बाद ये बीच का डिज़ाइन हम इसमें ड्रॉ कर लेंगे, ये ऐसा, ये यहाँ पर, ये ऐसा फिर से। ठीक है, कुछ ऐसा बन जाएगा, डिजाइन बन गया, बना ना, बोलिए। ये था एक टाइल्स का टुकड़ा, एक सिंगल टाइल्स, देखो इधर एक सिंगल टाइल्स था, इस टाइल्स के साथ हमने इसी टाइल्स को उल्टा करके यहां चिपकाया, फिर सीधा करके चिपकाया, फिर उल्टा करके चिपकाया, फिर सीधा करके चिपकाया, ऐसे नीचे चिपकाया, तो ये एक डिजाइन बन गया, पत्थर का बन गया। ऐसी डिजाइन जो किसी पैटर्न को फॉलो करने से बनती है, इसको बोलते हैं टेसलेशन। क्या बोलते हैं? टेसलेशन। जैसे टाइल्स वगैरह में डिजाइनिंग होती है ना, तो वो डिजाइन क्या कहलाती है? वो टाइल्स, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं, टेसलेशन कहलाता है इस तरह की डिजाइन। हो गया, तो आप जरूरी नहीं कि आप इसी को बनाएं, आप अपने मर्जी से कोई भी एक मोटिफ को चूज करिए, उसको रोटेट करिए, ट्रांसलेट करिए, रिफ्लेक्स करिए, कुछ भी करिए और एक डिज़ाइन बना लीजिए, एक पैटर्न बना लीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी ABCDEFG, ठीक है ना, जेड तक इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ऐसे इंग्लिश अल्फाबेट को आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, जिसमें दैट है, जिसमें क्या कौन सी खूबी होनी चाहिए। आंसर है 2 lines ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब समझ में आ रहा है? व्हाट इज लाइन ऑफ सिमेट्री? एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जिसके दोनों तरफ के फिगर कैसे हो जाएं,
सेम शेप सेम साइज के हो जाएं, और जब एक दूसरे को ओवरलैप करें तो पूरी तरह से ओवरलैप कर दें, पीछे वाला फिगर सामने वाले से ढक जाए, ठीक है ना। तो वो इमेजिनरी लाइन जो ऐसा काम करेगी वो क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आपको इंग्लिश अल्फाबेट में ऐसे अल्फाबेट चूज करने हैं जिसमें हम कम से कम कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकें, टू। कौन कौन से ऐसे लेटर होंगे जिसमें दो लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, टी में दो लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं ना, नहीं नहीं नहीं, देखिए अगर आप बोलती हैं टी, ध्यान से समझिएगा ना, टी, मैं टी आपको बड़ा सा बना के दिखाता हूं, ऐसा ये लो, दिस इज टी। तो दो लाइन ऑफ सिमेट्री आप कहां से बनाएंगे, एक तो यहां से बन जाएगा, ये है लाइन ऑफ सिमेट्री, इधर का फिगर उसके ऊपर जाके ओवरलैप कर लेगा, दूसरी लाइन आप कहां से ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं बनेगा ना। तो दो लाइन ऑफ सिमेट्री का ये अल्फाबेट नहीं है टी, टी से आप नहीं बना सकते दो लाइन, ओ पे तो लाखों बन जाएंगे जितने आप बनाना चाहेंगे, उसको छोड़ दीजिए, उसके अलावा ले सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं ले सकते, वो भी ले सकते हैं। और कोई आप सोच पा रहे हैं, ए से लेके जेड तक इतने सारे अल्फाबेट हैं आपके पास, सोचिए, नहीं क्यू भी नहीं, यू भी नहीं, करके देखिए, सी भी नहीं, डब्लू भी नहीं, करके देखो ना, देखो डब्लू, एक लाइन तो यहां से चली जाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री, दूसरी लाइन कहां से ले जाओगे, इधर का उधर हो जाए, एक्स होगा, हाँ एक्स हो सकता है, ठीक है। और देखो क्या हो सकता है, एच, एच होगा, क्यों, क्योंकि ये एच है, ओ मैं थोड़ा सा इसको बढ़िया से बनाता हूं ना, ये एच, ऐसा एक लाइन ऑफ सिमेट्री हम यहां से ड्रॉ कर सकते हैं, दिख रहा है, इधर का हिस्सा उधर का हिस्सा दोनों बराबर, ये घूम के उसके ऊपर ओवरलैप कर सकता है कि नहीं, और दूसरा, दूसरा यहां से जा सकता है कि नहीं, जा सकता है, इधर वाला हिस्सा इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, दो लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है एच से। तो एच एक एग्जांपल हो गया, और क्या कह रहे थे, एच, उससे पहले, उससे पहले आई, आई होगा, आई सोच के देखिए, आई होगा कि नहीं होगा, आई देखो ना, ये आई, एक तो मैं यहां से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकता हूं और दूसरा मैं यहां से भी कर सकता हूं, समझ आया, बीचों बीच करेंगे तो भी एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे, है ना, है ना, और ऐसे करेंगे तो भी ओवरलैप हो जाएगा आई। अगला आपने बोला एक्स, एक्स, एक्स होगा कि नहीं, यहां से भी लाइन ऑफ सिमेट्री, यहां से भी लाइन ऑफ सिमेट्री, दो तो बन जाएंगे एटलीस्ट, ठीक है। और कोई सोचिए, एच हो गया, आई हो गया, एक्स हो गया, दो लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती हैं, और कोई, एन में नहीं बनेगी, एन में कहां से ले जाओगे, दो लाइन कम से कम बननी चाहिए, एक तो बन जाएंगी, एन में एक भी नहीं बनेगी, एन में एक भी नहीं बनती। हमारा अगला क्वेश्चन यही है, नो लाइन ऑफ सिमेट्री, ऐसे अल्फाबेट बताइए इंग्लिश के जिसमें एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनाई जा सकती, एक भी। उसमें एक सबसे पॉपुलर एग्जांपल आपने अभी जो बताया, एन में आप कहीं से पास करा के देखो, सिमेट्री बनता है फिगर दोनों तरफ का, आर, आर, हाँ ई में बन सकता है ना, एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो बन सकती है ई में ना, देखिए ये अगर मैं यहां से लाइन ऑफ सिमेट्री पास करूं तो ये ऊपर वाला और नीचे वाला सिमेट्रिकल हो गए कि नहीं, तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो बन जाएगी ई से, ये नहीं होगा। ऐसा बताओ जिसमें एक भी ना बने, पी में, हाँ पी, ठीक पी में नहीं बनेगी, तो पी हो गया, इसी तरह क्यू हो गया, और ऐसे आप बहुत सारे बना सकते हैं, और जेड हो गया, जेड में बनेगा क्या, नहीं बनेगा ना, मुझे तो नहीं लग रहा कि बनेगा जेड में, नहीं 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 बनेगा ना, कहाँ बीस से, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ये ऐसे बीच से नहीं, तो ये आएगा, तो ये उधर है, ये इधर है, खुला हुआ कहाँ कवर करेगा, तो ये भी हो सकता है, तो ऐसे जी भी होगा, वेरी गुड, जी, जे, हाँ जे भी होगा, तो आप लिख लीजिएगा जितने लिख सकते हैं, ठीक है।
ओके, रोटेशनल सिमेट्री वाला एक एग्जांपल, रोटेशनल सिमेट्री जिसमें कम से कम दो लाइन से ज्यादा बनाई जा सके, ओ रोटेशनल सिमेट्री जिसमें दो से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की जा सकती है, वो सब रोटेशनल सिमेट्री में आती हैं। और नहीं, और कोई नहीं है, सिर्फ ओ है, समझे? बस तो लिख लेंगे ना, ये आपको समझ आ रहा है? लाइन ऑफ सिमेट्री समझ आया तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक है? इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अब आपको जो आपके डाउट हों, आपकी क्यूरी हों, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड, समझ गए? ठीक है।